हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं द टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आजकल आप सभी लोग जानते होंगे कि फेसबुक का क्रेज कितना बढ़ रहा है और हर कोई छोटा हो या कोई बड़ा हो, सभी फेसबुक यूज़ करते हैं। कोई बंदा अगर नया सेल फोन भी खरीद कर लाता है तो वो सबसे पहले अपने मोबाइल में फेसबुक और व्हाट्सअप ही चलाता है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ फेसबुक के ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। और अगर दोस्तों आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हैं, इनका यूज़ करते हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपका फिर जो है फेसबुक चलाने का स्टैंडर्ड किस हद तक बढ़ जाएगा और आपको फेसबुक चलाने में कितना मज़ा आएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। फेसबुक पर जाने के बाद आपको जब जाना है, साइड मेन्यू में तीन स्टिक्स ही दिख रही हैं आपको, इस पर आपको जाना है। और यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आपको देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको एक्टिव लोगो दिख रहा है, आप इस पर एक्टिव लोगो पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पर आप अपने बारे में पूरा बायोडाटा ले सकते हैं कि आपने किसको जो है जब से अपने फेसबुक को अपनी चलाया है। देखिए, आपको दिखा देता हूँ मैंने अपनी फेसबुक कब स्टार्ट की थी। मैंने अपनी फेसबुक 2013 में स्टार्ट की थी। तो ये आपको बता देता है कि आपने अब तक जितने भी आपने क्या क्या फेसबुक पर किया है, क्या क्या आपने फेसबुक पर धमाल मचाए हैं, किसको लाइक किया है, किसको टैग किया है, किसको सब्सक्राइब कर रहा हूँ, कौन आपका फ्रेंड आपको टैग करता है, किसको आप लाइक करते हैं, किसको कमेंट करते हैं, किसको आप फॉलो करते हैं, यहाँ पर आपको आपकी सभी जानकारियाँ देता है ये। तो दोस्तों, जो उसका अगला फीचर आपको मिलता है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि आपके फोन में कभी बैटरी नहीं होती या आपके फ़ोन में डाटा नहीं होता, तो आप अपने दोस्त के, अपने किसी फ्रेंड के सेल फोन से जो है अपनी फेसबुक को लॉग इन कर लेते हैं और बाद में उसको लॉग आउट करना आपके ध्यान नहीं रहता। तो आप अपने सेल फोन से ही चेक कर सकते हैं कि आपकी फेसबुक कहाँ कहाँ पर लॉग इन है। तो देखिए, अकाउंट सेटिंग लिख कर आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। और इसके बाद आपने सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी में जाने के बाद आप देख रहे हैं कि वेयर यू आर लॉग्ड इन लिख रहा है, वेयर यू आर लॉग्ड इन, तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी फेसबुक कहाँ कहाँ पर लॉग इन की थी। आपको यहाँ पर ये लोकेशन भी बता देता है कभी कभी। तो देखिए, मैंने अपनी जो लास्ट टच लॉग इन की थी वो एंड्रॉयड मोबाइल से की थी। यहाँ पर आपका एंड्रॉयड मोबाइल और नीचे आप देख सकते हैं क्रोम और लिनक्स जो कंप्यूटर में होता है उससे की थी। और जो यहाँ पर देख सकते हैं आप क्रोम ब्राउज़र एंड्रॉयड वर्जन भी बता रहा है एंड्रॉयड का। तो यहाँ पर आप अगर आप चाहते हैं कि आप मैं इसको यहीं से ही ऑफ़ कर दूँ तो अपनी फेसबुक को, तो आप इसको यहीं से काट दीजिए और आपकी फेसबुक वहाँ से ऑफ हो जाएगी। तो ऐसे करके आप अपनी फेसबुक को जो है यहीं से ही लॉग आउट कर सकते हैं। तो चलिए आपको इसका अगला फीचर बता देते हैं। तो दोस्तों, अगला फीचर यहाँ पर मिलता है आपको, देख सकते हैं आप ऊपर ही लिख रहा होगा लॉगिन अलर्ट। तो ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर फेसबुक आपको एक फीचर देता है लॉगिन अलर्ट। अगर आपकी फेसबुक कोई दूसरा बंदा कहीं अपनी सेलफोन में या आप ही किसी अपने दूसरे ब्राउज़र में अपनी फेसबुक को लॉगिन करते हैं, तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको फेसबुक अपने दो ऑप्शन देता है, टेक्स्ट मैसेज, जो अगर आपकी कोई बंदा आपकी फेसबुक को लॉगिन कर रहा है तो आपके सेल फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा जिसमें लिखा होगा कि आपकी सेल फोन किसी ब्राउज़र में या कहीं पर जो है लॉगिन हुई है अभी। और एक नोटिफिकेशन जो आपकी फेसबुक पर ही आता है, आपके फेसबुक अकाउंट पर, मैंने अपने सेल फोन वाला ऑन किया हुआ है, तो अगर मेरा कोई भी बंदा मेरी आईडी कहीं और लॉगिन करता है किसी ब्राउज़र में या कहीं पर भी लॉगिन करता है कंप्यूटर में, तो एकदम मेरे पे जो है मैसेज आ जाएगा कि इस बंदे ने आपकी फेसबुक कहीं कंप्यूटर में या कंप्यूटर बताएगा या ब्राउज़र बताएगा कि वहाँ पर आपकी आईडी जो है लॉग इन हो चुकी है। तो आप ऐसे भी अपनी आईडी को सुरक्षित रख सकते हैं, इसके आप हैकरों से ही बता। तो दोस्तों, अगला फीचर जो यहाँ पर फेसबुक का आपको मिलता है वो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल जो है हो सकता है। तो आपने अपनी अकाउंट सेटिंग में जाना है और ऐप सेटिंग में जाना है अपने। और आप सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पर दिख रहे होंगे कि आपको यहाँ पर अपलोड फोटो इन HD और अपलोड वीडियो इन HD। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये फीचर मिलते हैं, जैसे कि अगर आप अपनी फ़ोटो जो है फेसबुक पर या वीडियो को ही अपनी फेसबुक पर या अपलोड करते हैं तो उसका रेजोल्यूशन कम हो जाता है। मतलब कि अगर आपकी 10 MB की फाइल तो फुल HD में है, अगर आप उसको अपनी उस पर फेसबुक पर अपलोड करते हैं तो वो मुश्किल से 7 या 8 MB की अपलोड होती है और उसका रेजोल्यूशन कम हो जाता है, उसके पिक्सल्स वो कन्वर्ट करके अपने हिसाब से कम कर देता है। तो अगर आप इसको हाई क्वालिटी में जो है अपलोड करना चाहते हैं, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर अपनी जो फ़ोटो का साइज़ है वो हाई क्वालिटी में कर रखा है और वीडियो को ऑफ कर रखा है, अगर आप इसको हाई क्वालिटी में करना चाहते हैं तो आप इस टिक को ऑन कर दीजिए, जैसे मैंने ऑन किया हुआ है।
और जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है, इस पर आप ऑटोमेटिक प्ले, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर ये पूछता है कि जैसे कि आप देखते होंगे कि फेसबुक पर कोई वीडियो आती है तो वो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाती है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑन मोबाइल डाटा एंड वाईफाई कनेक्शन। अगर आपके पास वाईफाई डाटा और कनेक्शन है तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो है मोबाइल डाटा ख़त्म ना हो, अगर आप वाईफाई पे ही हो तो आपकी जो है वीडियो चले, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए जैसे मैंने क्लिक किया हुआ है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो वीडियो है वो मोबाइल डाटा और वाईफाई पर दोनों पर चले तो आप इस पर ऊपर वाले पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो ना मोबाइल डाटा पर चले ना ही वाईफाई पर चले तो आप नीचे वाले पर भी क्लिक करके इसको कर सकते हैं। तो अगला ऑप्शन जो यहाँ पर आपको मिलता है वो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। नीचे जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर न्यूज़ फीड परफेरेंस लिखा हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा है ऊपर वाला जो ऑप्शन है स्टार वाला, आपने इस पर क्लिक करना है। और आपको यहाँ पर जो फीचर मिलता है वो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों आप देखते होंगे कि फेसबुक आप जैसे ही ओपन करते हैं तो आप देखते होंगे कि आपके यहाँ पर फोटो आते हैं, जो स्टेटस आते हैं, वीडियोज़ आती हैं, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो कि आप पहले किसका जो है स्टेटस यहाँ पर देखना चाहते हो। जैसे कि मैं टेक्निकल सपोर्ट में रही जो पेज है इसका देखना चाहता हूँ, सागर व्यूम इसका देखना चाहता हूँ, और भी जितने जिस पर आप क्लिक करेंगे इन पर स्टार आ जाएगा। आप सिर्फ इनकी आप जैसे ही अपनी फेसबुक लॉगिन करेंगे तो आप जो इन बंदों ने पोस्ट की होगी आपको सिर्फ इनकी जो है ऊपर दिखाएगा, और जो है और जिन पर आप क्लिक नहीं करेंगे उनकी आपको बाद में जो है ये दिखाएगा। तो ऐसे करके भी आप देख सकते हैं। तो अगला फीचर दोस्तों जो यहाँ पर आपको मिलता है वो है वन दिस डे। तो वन दिस डे क्या है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये आपको बताता है कि आपने जब तक 2013 से मैंने जब से स्टार्ट की थी अब से लेके अब तक आपने इस दिन क्या किया है। तो देखिए मेरे इसमें लिखा रहा है नो स्टोरी टुडे, मतलब आज के दिन मैंने अपनी फेसबुक पर 2013 से लेके अब तक कुछ नहीं किया है, अब मैंने किसी को ना लाइक किया है ना शेयर किया है। दोस्तों ये भी आप देख सकते हैं कि आपने फेसबुक पर इस दिन क्या किया था अपने जो पिछले आपके साल रहे हैं। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है यहाँ पर दोस्तों लास्ट और आखिरी टॉपिक जो मिलता है वो आपको मैसेंजर में मिलेगा और वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों बता दूं कि इसमें आप अपनी जो है चैट को सीक्रेट रख सकते हैं, तो ये बहुत ही कम लोग जानते हैं, मैं आपको आज बता रहा हूँ ये। तो चलिए मैसेंजर को सिंपली ओपन करते हैं। तो दोस्तों जैसे आप अपनी चैट में जाते हैं, देखिए मैं दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने किसी भी चैट पर क्लिक किया, देखिए मैं इस चैट पर आ चुका हूँ। तो आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन का साइन आ रहा है एक, इस पर आप क्लिक करेंगे, गोल गोल से आइकन में ऐसा बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है और नीचे लिख रहा है सीक्रेट कन्वर्सेशन, तो सीक्रेट कन्वर्सेशन पे आपने क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे कि आपकी चैट में साइड में बिल्कुल साइड में ये ऊपर यहाँ साइड में नीचे एक अलार्म घड़ी सी आ गई है, आप इस पर अलार्म घड़ी पर क्लिक करेंगे। तो आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना टाइम सेट कर सकते हैं। टाइम सेट करने के बाद जैसे कि मैं यहाँ पर 5 सेकंड कर लेता हूँ, तो 5 सेकंड करने के बाद जब मैं अपने फ्रेंड को इसको कुछ भेजता हूँ, वैसे मैं इसको कुछ भी लिख कर भेजता हूँ, इसके जैसे ही ये पढ़ेगा इसके पढ़ने के तुरंत 5 सेकंड बाद ये अपना मैसेज अपने आप मेरी हिस्ट्री से डिलीट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही करके आप अपनी सीक्रेट अपनी जो है चैट को सीक्रेट रख सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ कि आप जैसे ही यहाँ पर 10 सेकंड अगर आप 10 सेकंड करना चाहें, 5 सेकंड करना चाहें, 1 मिनट 10 मिनट जितना भी टाइम यहाँ पर टाइम बहुत दे रखा है, आप जिस हिसाब से करना चाहें आप उस हिसाब से कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको सेट करेंगे और सेट करने के बाद आप मैसेज भेजेंगे, मैसेज भेजने के बाद नहीं मैसेज जब आपका वो दोस्त आपका मैसेज पढ़ेगा और मैसेज पढ़ने के तुरंत 10 सेकंड बाद वो मैसेज आपकी हिस्ट्री से डिलीट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छा फीचर मिलता है। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि आपको ये फीचर कैसे कैसे यूज़ करने हैं। अगर आपकी अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कुछ क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल द टेक्निकल सपोर्ट सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस रेड रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं टेक वीडियो अपने जो है चैनल पर डालते रहता हूँ, गेमिंग के बारे में, मोबाइल के बारे में और टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इनको देखकर आप सीख सकते हैं और आप इनको देखकर एक जो है सिंपल यूज़र से एक स्मार्ट यूज़र बन सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।